अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में गर्ल्स कोट कलर की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी, जिसमें बुकरम भी यूज़ नहीं होती है और स्टिचिंग भी बहुत जल्द हो जाती है और पहनने में लुक भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। ये देखें व्यूअर्स, मैंने 2.5 गज में ये शर्ट ली है चेक प्रिंट में। आप कोई सा भी प्रिंट ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं। ये मैंने 38 इंच में फ्रॉक तैयार करनी है। आप चाहें तो ओपन शर्ट भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको कोट कॉलर के साथ फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने फ्रंट की पेटी का साइज लेना है। ये फ्रंट की पेटी की चौड़ाई लेनी है हमने 29 इंच और इसकी लेंथ लेनी है हमने 20 इंच। हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे कॉलर बनाने के लिए, इस वजह से टोटल हमने तैयार करनी है पेटी 14.5 इंच और 5.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये हमने 20 इंच की पेटी कटिंग की है। इसकी चौड़ाई ये देखें, ये 29 इंच है। जब हम इसको डबल करेंगे 14.5 तो 29 बनेगा। ये इसमें चौड़ाई में से ये कपड़ा बचा है तो ये ज़ाया नहीं जाएगा, हम इसे बाजू बनाएंगे। अब मैं बैक की कटिंग करने लगी हूँ, बैक पेटी की। ये हम देखें 14.5 हमारी पेटी तैयार होनी है, तो मैं ये 16 इंच लूँगी कटिंग और सिलाई का मार्जिन रखते हुए। लंबाई इसकी 16 इंच और चौड़ाई इसकी मैं लूँगी 23 इंच। चेस्ट हमारा रखना है हमने जबकि 21 इंच, तो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लेते हुए और कटिंग का 23 इंच रखूंगी मैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये फ्रंट बैक की पेटी निकाल कर ये देखें, ये फ्रंट की पेटी है, ये बैक की है। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा है जिसमें हम बाजू बनाएंगे और ये हमने नीचे की फ्रॉक तैयार करनी है। ये देखें, इसके दामन की मैंने लगानी है 33 इंच पे मैंने दामन तैयार करना है, उसका मैं निशान लगाऊंगी 33 पे और ये 1/2 इंच में मार्जिन के लिए रखूंगी। ये फिटिंग हमने रखनी है 17.5। ये यहाँ मैं निशान लगाऊंगी 17.5 पर फिटिंग का। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। एक एक प्लेट लगानी है फ्रंट पे भी और बैक पे भी, 2-2 प्लेटें होंगी, 4 प्लेटें टोटल। तो ये मैं 14 इंच लूँगी। ये देखें, यहाँ हमारी फिटिंग होगी और ये मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है तकरीबन 5 इंच और ये मैं अब निशान लगाऊंगी कटिंग के लिए। ये देखिए, ये डबल कपड़ा लिया था मैंने फ्रंट और बैक का। यहाँ से थोड़ी सी हम गोलाई शेप में कटिंग करेंगे। ये तकरीबन 1 इंच के फासले पे ये सिर्फ मैंने फ्रंट की पेटी ली है, ये डबल। ये जो मैंने 29 इंच चौड़ाई में पीस काटा था और लंबाई हमारी 20 इंच थी, ऐसे ही मैंने ट्राउज़र में से पीस लिया है कॉलर को नुमाया करने के लिए। देखें, इसकी चौड़ाई है तकरीबन 8 इंच और लंबाई पेटी जैसी ही रखनी है हमने 20 इंच होगी। ये देखें, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए लिया था फ्रंट और बैक का कॉलर। ये हमने फ्रंट की पेटी ली है
और ये डबल कपड़ा लिया है कॉलर को नुमाया करने के लिए। ये 3 इंच का मैं इधर निशान लगाऊंगी गले के लिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसलिए लिया था, फ्रंट और बैक का कॉलर हमने एक साथ बनाना है। ये 6.5 इंच पे मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। ये बिल्कुल वी शेप में कटिंग करनी है इसकी। तो 3.5 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। ऐसे ही 3.5 इंच का यहाँ ये तिरछी शेप में आता जाएगा। टोटल हमने 3.5 ऐसे ही इसकी लंबाई भी रखनी है। ये भी वी शेप में ही आएगा तकरीबन। ये अब हमने बैक की पेटी रखी है, ये देखें, ये 1.5 इंच के फासले से जहां ये हमने कटिंग खत्म की है, ये देखें यहां से हमारी बैक की पेटी शुरू हो रही है। ये 4 इंच की लेंथ बन रही है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 3.5 हो जाएगी। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 7 इंच पे होगी। ये हम बैक की गले का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। टोटल तीरा रखना है हमारा है तीरा 14 इंच, लेकिन हम बैन और कॉलर के लिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है तो 15 इंच, और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखिए मैं 8 इंच पे लगाऊंगी निशान, और इसको डबल करेंगे तो ये 16 इंच हो जाएगा तैयार, जबकि हमारा होगा 15 इंच पे। और ये हमने 7 इंच का शोल्डर का निशान लगाना है। और चेस्ट रखनी है हमने 21 इंच, आप अपने साइज के मुताबिक ले लीजिएगा। ये देखें इसको डबल करेंगे तो ये 21 बनेगा। यहां से मैं थोड़ी सी शेव दूंगी गुलाई की। ये 21 इंच पे हमने कट का निशान लगाना है। ये मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूंगी, ये तिरछी बहुत शेव है इसमें, और यहाँ से कॉलर की कटिंग होगी हल्की सी शेव में। अब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे तकरीबन, ये देखें यहाँ से। अब मैं इसकी स्टिचिंग करने लगी हूँ।
कट लगाने हैं। अब इन दोनों को टच करने आपस में। यहाँ सेंटर से हमने सिलाई शुरू करनी है। यहाँ कट लगेंगे। अब ये हम बैक पेटी का हल्का सा निशान लगाएंगे पीछे के गले की कटिंग के लिए। ये सेंटर में कट लगाना है। अब ये देखें, ये हमारे दो हिस्से थे। अब ये नीचे वाले हिस्से को हमने इसके साथ टच करने। ये देखें, ये हमने टोटली सिलाई लगा ली है यहाँ से यहाँ तक। ये कंधे जोड़ लिए हमने। ये देखें, ये इस तरह। ये अब मैं इसकी तुरपाई करूँगी। यहाँ से तुरपाई शुरू होगी। ये देखें, ये टोटली तुरपाई हुई है। इसको अब हम सीधा करेंगे। ये देखें, अब हमने ये कॉलर की नोक से ये 4 इंच के ऊपर निशान लगाना है जहां हमारा गला बंद हो रहा है। ये देखिए, हमारा कोट कलर तैयार है। और ये फूल लगाने हैं मैंने इधर। अगर आप चाहें तो बटन भी लगा सकती हैं या कोई बड़े वाला नग भी लगा सकती हैं। ये देखिए, अब हमने फ्रंट के आर्म होल की ये कटिंग करनी है। ये जो पहनने से लुक अच्छी आती है, जिस्म पर फिट हो जाता है। ये देखिए, ये मैं इन दोनों को टच करके ये कटिंग करूंगी। ये हमने साइज करने हैं चेस्ट के लिए, ये 21 इंच। ये देखिए, ये मैंने नीचे वाली फ्रॉक तैयार की है। इसमें 1 इंच की प्लेट है दोनों तरफ, और इनका रुख है जो है वो जहाँ से फ्रॉक बंद हो रही है उस तरफ है। ये देखें, अब ये हम स्टिच करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, फ्रॉक तैयार है कोट कलर के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।